सेफ ड्राइव सेफ लाइफ और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल पर देश भ्रमण के लिए निकले पश्चिमी बंगाल के सुप्रिया दास कल नाहन पहुंचे। नाहन पहुंचने पर सुप्रिया दास ने बताया कि साइकिल यात्रा के द्वारा लोगों को फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़ना और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक साइकिल का प्रयोग करें ताकि वे स्वस्थ रहें और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले। सुप्रिया दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को साइकिल यात्रा के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा उन्होंने 5 माह पहले शुरू की थी और अभी तक 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए हिमाचल पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 में वे अपनी ऑल इंडिया साइकिल यात्रा पूरी कर वापस अपने घर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। मैं ऑल इंडिया राइड कर रहा हूँ और नेपाल और बांग्लादेश भी जाऊंगा, इंटरनेशनल दोनों देश नेपाल और बांग्लादेश। और मेरा ये मतलब संदेश है कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो युवा मेरे जैसा युवा वो साइकिल चलाए, क्योंकि मतलब सुस्त रहता है, शरीर वगैरह सब ठीक ठाक रहता है और साइकिल चलाने में एक ये मतलब बहुत बहुत फायदा होता है साइकिल चलाने में। इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए और हमारा देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी सर ने जो एक अभियान चलाई उसको जो हर एक प्लेस को साफ सुथरा रखना चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख होके हिमाचल में आया हूँ और आगे पूरा सफर जारी रखूंगा और 2024 में जो घर पहुंचूंगा फरवरी में, और नेपाल और बांग्लादेश भी करूंगा।